बालेश्वर सदर गोष्ठी शिक्षा विभाग पक्षर ब्लॉक स्तरीय विज्ञान मेला स्थानीय पब्लिक सरकारी उच्च विद्यालय परिसर में अनुष्ठित हो जाएगी। अतिरिक्त जिला शिक्षाधिकारी पवित्र मोहन बारिक मेला को आनुष्ठानिक भाव उद्घाटन करने सहित छात्र छात्री विज्ञान शिक्षा को अधिक सहज कर मेला बेस सहायक हो पारि। आज बालेश्वर जिला तरफर बालेश्वर सदर ब्लॉक स्तरीय विज्ञान मेला अनुष्ठित हो यार आभिमुख्य हूँ देखु पा जुगोपयोगी करवा जो आम मनीष तैयारी शिक्षा कौचु से गोटे अंग मनीष तैयारी शिक्षार अंग हूँ पिला जुगोपयोगी करवा वैषयिक जुगरे विज्ञान जुगरे पिला जुगोपयोगी करवा तेणु विज्ञान मेला करार उद्देश्य हूँ पिला वैज्ञानिक मनोभाव सृष्टि भविष्य यही वैज्ञानिक मनोभाव नहीं नुआ नुआ डिस्कवरी उद्भावन आविष्कार करने सुजोग सृष्टि करवाईटा पिला विद्यालय स्तर से मूलदुआ पकड़ा यार हूँ उद्देश्य। पिला तो बहुत सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट आसी से प्रोजेक्ट गुड़िक सृजनशीलत या संपृक्त गाइड शिक्षक मैंने तत्वावधारक भाव में दिग्दर्शन देते प्रोजेक्ट गुड़िक जुगोपयोगी हो प्रोजेक्ट गुड़िक संपूर्ण अभिनव मानते नूतन तो रही इनोवेटिव निजस्व शैली निजस्व सृजनशीलत प्रोजेक्ट गुड़िया या देखते ब्लॉक स्तरीय विज्ञान मेला हो ब्लॉक स्तरीय विज्ञान मेला आमर 12 ब्लॉक अच्छे बालेश्वर जिले में बालेश्वर जिले जो 12 ब्लॉक अच्छी एप्रिल 5 रु 6 ये दुई दिन धरे विभिन्न ब्लॉक रे विज्ञान मेला होती गत काली 5 तारिख में किसी ब्लॉक रे विज्ञान मेला होती है आज बाकी तक 7 ब्लॉक से ब्लॉक रे विज्ञान मेला होती है यू आम ब्लॉक स्तर जो मैंने प्रत्येक विभाग रु जो प्रथम द्वितीय तृतीय हेबे से माने जिला स्तर को मनोनीत हेबे जिला स्तर रे आम आसंता 27-28 एप्रिल 27-28 जलेश्वर हाईस्कल जिला स्तरीय विज्ञान मेला रही है से जिला स्तरीय विज्ञान मेला भाग नेतापुर से राज्य स्तरीय विज्ञान मेला भाग नेतापुर से जितिय स्तर विज्ञान मेला भाग ने। सदर गोष्ठी शिक्षाधिकारी मिहिर कुमार प्रधान सभापतित्व में आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में बीडीओ नरेन्द्र खमारी मुख्य अतिथि भाव जोगद छात्र छात्री उज्जवल भविष्य कामना करते बीआरसीसी रामचंद्र बेहरा एबीओ रेणुबाला दास पब्लिक सरकारी उच्च विद्यालय प्रधान शिक्षयित्री जयंतीमणि साहू ब्लॉक विज्ञान संयोजक कौशिक कुमार दास प्रमुख एथिरे सम्मानित अतिथि भाव जोगद दैनंदिन जीवन में विज्ञान व्यवहार और उपादेयता संपर्क में आलोचना करते हरिबद साहू अतिथि को मंच आमंत्रण करे रश्मि दास शेष समस्त धन्यवाद अर्पण करते अतिथि मैंने प्रकल्पगुड़ी बुले देखा सहित यार वैशिष्टता संपर्क छात्र छात्री को पचारि बुझिथिले मो प्रकल्प ना होचो असरंती शक्ति संबल को विनियोग करी आमे के परे आजरो बढथवा डीजल पेट्रोल दामो जे बढुचि ता बदलरे आमे केमती सबुजो शक्ति को व्यवहार कर परबा सेटा होचो मोर प्रकल्प तो आमे सौर शक्ति को व्यवहार करी इलेक्ट्रिसिटी जात कर परबा जल को करी टर्बाइन घुराई आमे विद्युत शक्ति जात कर परबा आउ जहा रहिला जैविक गैस बा बायो गैस जको कंपोस्ट करके आमे सेथुरु सीएनजी बा मिथेन गैस काढ़ी परबा जेथुरु आमे ईंधन कार्य व्यवहार कर परबा आउ सेथुरु भर्तिबा जो जैविक पदार्थ ताको आमे सीधा सळक कृषि रे दे परबा एवं सेपरी पवन को उपयोग करी मध्य आमे पवन कोळरु शक्ति जात कर परबा एटा होजो मो प्रकल्पर उद्देश्य। मोर प्रोजेक्ट ना होची स्टीम एनर्जी कन्वर्ट्स टू इलेक्ट्रिसिटी। सर स्टीम एनर्जी जो आम कन्वर्ट आम जो पानी को गरम करते बांफटा बाहर बांफटा आम सब किस कहूना बाहर छाड़ दू से जितेबाला आम गोटे इयर आम जो गोटे एक्सपेरिमेंट करूँ से गोटे पेन द्वारा आसिक आम गोटे फैन रे यूज करिया से जितने से फैनटा जो घूर मोटर भी स्टार्ट हे मोटरटा आसिकी गोटे बैटेरी लगी थोड़ा आसिकी संचय हे से बैटेरी से बैटेरी जो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हे आमर गोटे से गोटे लाइट दि जाए से गोटे स्विच भी दिखाई जितेबाला आम स्विचटा को अन् करवा से लाइटा जल सर यहाँ हूँ प्रोजेक्टा। एथिरे सदर ब्लॉक अंचल विभिन्न विद्यालय जूनियर वर्गर 40 गोटी और सीनियर वर्गर 35 गोटी प्रकल्प प्रदर्शित होता विचारक भाव विज्ञान शिक्षक रंजन कुमार दास और गोपाल सिंहल प्रकल्पगुड़ी मूल्यायन करते सदर ब्लॉक समस्त सीआरसीसी शिक्षक शिक्षयित्री एक विज्ञान मेला को परिचालना करते कृति प्रतियोगी अवसर में प्रमाणपत्र और पुरस्कार प्रदान करा जायथिला।